हाय गाइस, आई एम जगवीश शोकन और आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे चैनल हिंदी बोलेगी पर हार्दिक स्वागत है। ब्रेन स्ट्रोक एक ऐसी बीमारी जो हर 40 सेकंड के बाद इस दुनिया में किसी न किसी इंसान को घेर लेती है और जिसकी वजह से हर 4 मिनट के बाद इस दुनिया को छोड़कर कोई ना कोई चला जाता है। जी हाँ दोस्तों, ब्रेन स्ट्रोक बहुत ही खतरनाक और जानलेवा बीमारी है। अगर इस बीमारी की सही जानकारी आप लोगों को हो जाए तो आप इस बीमारी से 100% बच सकते हैं। इसलिए आज के इस वीडियो में हम आपको पूरे विस्तार से बताएंगे कि ब्रेन स्ट्रोक क्या है, ये क्यों और कैसे होता है, इसके लक्षण क्या है और इसका इलाज कैसे करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस घंटी को जरूर दबा लें ताकि आपको हमारी इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले और फ्री में देखने को मिलती रहे। ब्रेन स्ट्रोक एक तरह का ब्रेन अटैक है। ब्रेन स्ट्रोक तब होता है जब आपके दिमाग के किसी हिस्से में खून की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से दिमाग के उस हिस्से को सही मात्रा में ऑक्सीजन और पोषक तत्व नहीं मिल पाते और दिमाग की कोशिकाएं थोड़ी देर में मरनी शुरू हो जाती हैं और इसी ब्रेन स्ट्रोक की वजह से इंसान को लकवा मार जाता है। ब्रेन स्ट्रोक 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 हेमोरेजिक, नंबर 2 स्केमिक, नंबर 3 एथेरोस्क्लेरोसिस। हेमोरेजिक ब्रेन स्ट्रोक में ब्रेन यानी दिमाग को खून सप्लाई करने वाली नसें फट जाती है। नंबर 2 स्केमिक ब्रेन स्ट्रोक तब होता है जब हमारे दिमाग को खून सप्लाई करने वाली नसों में चर्बी जम जाती है या खून जम जाता है। नंबर 3 एथेरोस्क्लेरोसिस ब्रेन स्ट्रोक तब होता है जब हमारे दिमाग को खून सप्लाई करने वाली धमनियां सिकुड़कर पतली हो जाती हैं और दिमाग को खून की सप्लाई बहुत कम जाती है। ब्रेन स्ट्रोक होने के मुख्य कारण वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन बीपी ज्यादा होना, मोटापा बढ़ना, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होना, डायबिटीज हो जाना, ज्यादा शराब पीना या ज्यादा धूम्रपान करने की वजह से ब्रेन स्ट्रोक होने के ज्यादा चांस हैं। अगर ब्रेन स्ट्रोक से बचाव की बात करें तो ब्रेन स्ट्रोक से बचने के लिए नंबर 1 स्वस्थ आहार लें, खाने में ज्यादा प्रोटीन और ज्यादा फाइबर होना चाहिए। नंबर 2 हर रोज मेडिटेशन और व्यायाम करें। नंबर 3 धूम्रपान और शराब का सेवन ना करें। नंबर 4 डायबिटीज और बीपी की सही दवाई लें और नंबर 5 वजन को कम करें। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। कृपया करके इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।